हेलो दोस्तों, ये हमारी सेगड़ी है। इसे विदाउट बटन के करना है, बिना बटन के। तो चलिए हम इस सेगड़ी को बिना बटन के करते हैं। सबसे पहले हम सेगड़ी को उठाते हैं, इसके चार गुटके खोल लेंगे। ये हमने चार गुटके खोल लिए। अब इसका ये जो बटन है, हम इस बटन की भी नटा खोल लेते हैं। चलिए बटन की नटा खोल लेते हैं। ये हमारा बटन खुल गया। अब इसके बारह निकाल लेना है। ये हमारे कॉइल के बाहर निकल चुके हैं और ये हम पेज में से निकाल रहे हैं। ये हमारे पेज में से निकल गए। ये हमारा बटन निकल चुका है। अब देखिए, ये कॉइल के तीन वायर निकल चुके हैं। ये कॉइल के तीन वायर है। इस वायर को हम इस तरह अच्छे से छील लेते हैं। थोड़ी बड़ी छिलना है आपको डायरेक्ट करने के लिए। आपको पता चल जाएगा कि हम इसे बड़ी क्यों छिल रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, कॉइल, पहली वाली कॉइल की वायर को खोल लेना है और इसे डायरेक्ट वायर में जोड़ देना। यहाँ पर नट को वायर छिल लेते हैं। नट को अच्छे से कस देना है ताकि वायर निकले ना। अच्छे से टाइट कर देना है नट को। ये हमने वायर यहाँ पर टाइट कर दिए है अच्छे से। फीड हो गई है, निकल नहीं सकती। और आपको दूसरी वायर को भी छिल लेना है, थोड़ी बड़ी ही छिलना है उससे। देखिए, हमने वायर छिल ली, हमने वायर छीन ली। ये दोनों कनेक्शन को यहाँ पर मिला देना है। एक ये वायर जो हमने खोले और एक ये वायर, इन दोनों कनेक्शन को यहाँ पर मिला देना है। ये हमारी एक वायर और लेनी है जो हमारी बोर्ड में आने वाली वायर है। इन दोनों को यहाँ पर कनेक्शन मिला देना है। अब देखिए किस तरीके से हमने एक वायर से दोनों कनेक्शन को मिलाया। चलिए आप यहाँ पर ऑर्डर टेप की तरह से निशान लगा लेते हैं। सबसे पहले जोड़ लेंगे अर्थिंग की वायर यहाँ पर। इस अर्थिंग की वायर को भी इसे फिट करें। अगर आप अर्थिंग नहीं लगाओगे इस टेबल को, तो ये आप इसकी कॉइल पर बर्तन वगैरह रखेंगे तो आपको करंट लगेगा। जैसे लगेगा
जरूरी लगा है। यहाँ पर आपको तीनों वायरें जोड़ लेनी है। आप चलिए इस स्पीड पे ट्रैक कर लेते हैं। Hold on, just let us escape and fly away tonight.